एवरीवन, माय नेम इज अनाहिता चतुर्वेदी एंड आई एम फ्रॉम सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर भोपाल। आज जब मोदी जी हमारे कोच में आए तब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उनने हमसे पूछा कि योगा हम करते हैं कि नहीं, हमें वंदे भारत ट्रेन कैसी लग रही है, और उनने हमें योगा के बेनिफिट्स भी बताए, और उनने हमें धरती की पुकार टॉपिक पे एक पोएम या प्ले लिखने को कहा, और उन्होंने कहा कि इसे स्कूल में परफॉर्म करो, फिर देन इन्फॉर्म मी कि वो कैसा गया। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक हफ्ते सिर्फ UPI ट्रांजैक्शंस करो और एकदम ही कैशलेस रहने की ट्राई करो। और सीरियसली आज मुझे बहुत मजा आया। नमस्कार, मेरा नाम नमन चौधरी है और मैं सागर पब्लिक स्कूल कटार एक्सटेंशन की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं आज इस वंदे भारत ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे इस ट्रेन में जो न्यूली लॉन्च हुई है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, और मुझे इस पोयम स्वर्ज कविता के माध्यम से मैं इस ट्रेन में सफ़र करने का अवसर पाया। मैंने ये पोयम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर लिखी है और ये अंग्रेजी भाषा में रची गई है। मैं आप सभी को सुनाना चाहूँगा, शुरू कर रहा हूँ। Those days when Bharat was at peace, everything was great and everyone at ease. Decades passed by and it was the time when the people from Britain came to commit crime. First, it just used to be greetings, but as time passed, it turned into greetings. All the time, Indians were misunderstood, but due to their poor state, they withstood. Alas, they couldn't tolerate. Our freedom fighters came to obliterate. Gandhiji did not violently fight, but spoke against Britishers with all his might. Bhagat Singh did not halt, but until he was successful in the long revolt. Rani Lakshmibai did not drop her sword until she defied the Britishers and roared. All her fighters were so strong that it inspired the Indians to point out their wrong. When the Britishers realized that they had reached their demise, just like poor cowards, they ran back with tears in their eyes. It was 15th August 1947 when India became an independent nation. Bharat had achieved his long-awaited vengeance, and today we celebrate the occasion of independence. Thank you. Hi everyone, my name is Ishika Chauhan and I am from Sagar Public School, Rohit Nagar. I am travelling in the coach 1 of the Vande Bharat Express. हमने मोदी जी को आज स्वागत हमारे सामने दिया। मैं सबसे आखिर में बैठी हूँ और उन्हें वहीं से एक्चुअली एकदम एक्सीडेंट यहीं पर है, और उन्होंने हमसे ये पूछा, हमने मुझसे ये पूछा कि आपको इस ट्रेन की सबसे अच्छी फैसिलिटी कौन सी लगी। मैंने कहा कि दिव्यांग के लिए फैसिलिटीज और इस ट्रेन की साफ सफाई मुझे सबसे अच्छी लगी। उन्होंने हमसे ये पूछा कि आप मिलेट्स खाते हैं या नहीं, योगा करते हैं या नहीं, इंटरेक्टिव के पूछा, उन्होंने हमसे कई तरह के सवाल पूछे। मेरा नाम प्रथा सिंह ठाकुर है, मैं सागर पब्लिक स्कूल रोहित नगर से छात्रा हूँ। मैं एकदम एंड वाली सीट पे बैठी थी तो मोदी जी वहीं से एग्जिट करने वाले थे, तो वहाँ थोड़ी देर खड़े होकर मेरी सारी कविताएं सुन रहा था। जब मेरे पे आए तो उन्हें योगा के फायदे पूछे, उन्हें पूछे ये पोस्टर किसका है, बगल वाली सीट का पूछे पोस्टर किसका है, और उन्हें बेनिफिट्स पूछे तो उन्हें बताया कि उसका बैलेंस हेल्प करता है और छोटा सा इंट्रैक्शन था, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवालिका पांडे एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सागर पब्लिक स्कूल गांधीनगर। टुडे आई मेट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आई थिंक इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एंड आई कैन से दिस नॉट ओनली फ्रॉम माय साइड बट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हू मेट हिम टुडे। ही हैड अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑरा। आई आस्क्ड हिम, लाइक आई वेंट टू हिम, आई वेंट अप टू हिम एंड आई आस्क्ड हिम, सर हाउ डू यू गेट द इंफॉर्मेशन, लाइक द किड्स आर वेरी यू नो interested in asking questions, do you want to be a journalist? So I told him, sir, I want to join NDA. All over it was a very great experience, and I asked him the question about exam warriors, about his book I read, it was extremely inspiring, so I think it was a great experience for all of us. Thank you. आज बहुत गौरव की बात है कि मैं मोदी जी से मिल पाया, उनके सामने मैंने अपने योग पर कविता लिखी थी वो प्रस्तुत करी, मैंने उनको कविता सुनाई, मैंने योग पर कविता लिखी थी वो योग दिवस की बात हमसे कर रहे थे, मतलब मैंने सुनाई, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। उनसे मिलकर मुझे और कविताएं लिखने के लिए एक बहुत मतलब एक वो मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है कि मैं आगे चलकर कविताएं लिखूं और उनको मैं अपना आदर्श सुनाऊं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे आइडल हैं, मेरे को उनसे मिलके काफ़ी अच्छा महसूस होगा। मेरे मन में कई सारे सवाल हैं, मैं उनसे सवाल भी करूंगा, उनका जवाब जानना चाहूंगा, इतने बड़ी हस्ती हैं वो, और उनसे जवाब मिलना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली वाली बात होगी। तो बिल्कुल, कई बच्चे सीखना चाहते हैं और कई बच्चों के मन में कुछ सवाल भी हैं जो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, तो कुछ देर बाद ही ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कई बच्चे हैं जो उस ट्रेन में सफ़र करेंगे, उस पल के साक्षी बनेंगे जो कहीं ना कहीं देश को, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करता है। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़ भोपाल।